देखिए, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ये सभी के सभी किस प्रकार से लेफ्ट लीनिंग है, किस प्रकार से यहाँ पर ये देश को तोड़ने का ही एक प्रकार से काम कर रहे हैं। हमसे ही पैसे कमाकर हमारे ही जड़ों पर आघात कर रहे हैं, हमें ही जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी खुलेआम। और ये हम सालों से देखते आ रहे हैं किस प्रकार से बायस्ड है। अब यूट्यूब कितना बायस्ड है तो कहने की आवश्यकता नहीं है। एक ब्रिटिश मीडिया हाउस जो खुलेआम, जो दिल्ली में अभी सीए विरोधियों के द्वारा दंगा किया गया, हिंसा हुई, उस पर उसे खुलेआम मुस्लिम विरोधी बताकर यहाँ पर मुस्लिम समाज को भड़काने का काम कर रहा है, एक प्रकार से समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। और उस ब्रिटिश मीडिया हाउस बीबीसी के वीडियोस हर बार यूट्यूब पर ट्रेंड हो रहे हैं। मैं पिछले कई समय से देख रहा हूँ, ये कोई संयोग तो नहीं है? कौन से वीडियोज़ को यूट्यूब प्रेफर करता है, उनको वायरल करता है, किन के वीडियोज़ सब वॉच टाइम सब होते हुए भी वो ट्रेंडिंग में नहीं आते, वायरल नहीं होते? ये सब यूट्यूब को तो छोड़ ही दीजिए, उस पर हमने कई बार बात की हुई है। अब फेसबुक और ट्विटर को भी अगर आप लेंगे तो ये भी मतलब कितने बायस्ड और खुलेआम ये अपना बायस दिखाते हैं। इनको कोई शर्म नाम की चीज़ भी नहीं है। और इन पर जो फैक्ट चेकर्स बैठे हुए हैं, वे क्विंट फिंट के और ये वायर वगैरह, इनको जो पूरा एक चौकड़ी है, जो एक ग्रुप है इनका पूरा, यही लोग फैक्ट चेकर्स बनकर बैठे हैं। ये खुलेआम जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, देश तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, ये खुलेआम झूठे वीडियोस फैलाएंगे, झूठे न्यूज़ फैलाएंगे, उस पर कोई फैक्ट चेक नहीं। लेकिन जैसे ही कोई अगर सही न्यूज़ भी दिखाता है, उसमें कोई एक वर्ड भी इधर का उधर हो जाता है, तो उस वर्ड को लेकर वो कहेंगे कि भाई ये फैक्ट चेक में गलत साबित हुई ये न्यूज़, और उस पेज की रीच खत्म कर देंगे। हफ्ते हफ्ते, 15 15 दिन के लिए, महीने के लिए उस पेज की रीच खत्म कर देंगे, उसकी आवाज़ को ये दबाएंगे। और ये खुलेआम हो रहा है। अभी अगर अभी की हम बात करें, ज़्यादा दूर हम नहीं जाएंगे, पिछले 3 महीनों से सीए विरोधियों के द्वारा किस प्रकार से देश को जलाया जा रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। मतलब किस प्रकार की हिंसा नहीं की सीए विरोधियों ने, आप बताइए मुझे। हर प्रकार की हिंसा इन्होंने की। चलती ट्रेन पर, छोटे बच्चों की बस पर तक इन्होंने पथराव किया। सीलमपुर में आपने देखा, चलती ट्रेन पर, छोटे बच्चों की बस पर, एम्बुलेंस पर, वो भी एक जगह पर नहीं, दो तीन वीडियोस हमने ऐसे देखे, एम्बुलेंस पर, पुलिस पर पथराव किए गए, पथराव छोड़िए बम फेंके गए, वो वीडियोस भी हमने देखे। एक के तो हाथ में बम फट गया था, वो फटा हुआ उसका वो पूरा हाथ में बम फटने के बाद वो हाथ भी हमने देखा था। गोलियां चलाई गई, बम फेंके गए, पुलिस पर पथराव किए गए, पुलिस को घेर कर पत्थरों से कुचला गया, वो अहमदाबाद का, गुजरात का वीडियो भी हमने देखा। इतना ही नहीं, बसेस को, सार्वजनिक संपत्ति को, रेलवे स्टेशंस को, ट्रेन्स को जलाया गया। और नारे फक ओम फक हिंदुत्व के पोस्टर्स पकड़े गए, मां दुर्गा को लेकर कितने, माँ दुर्गा के ही नहीं, कितने कितने आपत्तिजनक पोस्टर्स इन्होंने पकड़े। हर प्रकार से भड़काने की इन्होंने कोशिश की। जिन्नावाली आजादी के नारे लगाए, हिंदुत्व की कब्र खोदने के नारे लगाए, हिंदुओं से आजादी के नारे लगाए, और तो और खिलाफत 2.0, मोपला में जो हिंदुओं का, हजारों हजारों हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, अनगिनत बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हुए थे, ऐसे मोपला के नरसंहार को तक इन सीए विरोधियों ने आइडियोलाइज किया, खुलकर वो बातें की गई। और ऐसे जिहाद की धमकी दे देना खुलेआम देश के खिलाफ, ये सारी वीडियोस मैंने हमारे प्रतीक स्पीक्स चैनल पर डाले हुए हैं, वहां पर जाकर आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। देश को तोड़ने की बातें की गई, नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की बातें की गई, यहाँ तक कि केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है एसएफआई, उन्होंने सीए का समर्थन करने की वजह से कुछ छात्रों को, मासूम छात्रों को बेरहमी से पीटा। आप बस बोलिए, हर प्रकार की हिंसा हमने देखी पिछले 3 महीनों में। और अभी दिल्ली में सीए विरोधियों ने पूरा प्रॉपर प्लानिंग से, उम्र खालिद का वीडियो है अभी कल ही वो वीडियो आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया पर, वो खुलेआम कह रहा है कि भाई ट्रंप आने के बाद में हमें सड़कों पर आना है, हमें प्रदर्शन करना है। और ये पूरी प्रॉपर प्लानिंग हमने देखी। सीरिया में जिस प्रकार से वो गुलेल होती है ना पत्थर फेंकने की, वो गुलेल छतों पर लगाई गई थी, और वो गुलेल पूरी लोहे की है, उसको वेल्डिंग किए बगैर, प्रॉपर वहां पर फिट किए बगैर छतों पर, वैसे ही बन नहीं सकती एकाएक कुछ घंटों में या एक अचानक से। पूरा प्रॉपर प्लानिंग से घरों पर ऐसे गुलेले फिट फिट कर करके पेट्रोल बम, एसिड, पत्थर ये फेंके गए लोगों के घरों पर। अंकित शर्मा और उनके साथ में 3 और लड़कों को ताहिर हुसैन के घर में जाकर बेरहमी से मारा गया। अंकित शर्मा जी के, उनको 400 बार चाकू से घोपा गया, मारा गया, 400 बार उन पर वार किए गए चाकू से। आतड़ियों को उनकी बाहर निकाला गया, गटर में से उनका शव मिला।
रतनलाल जी इन सीए विरोधियों से लड़ते हुए शहीद हो गए, उनके बच्चों के वो मासूम चेहरे हमने देखे, ये सब हमने दिल्ली में देखा, सीए विरोधियों ने किस प्रकार की हिंसा की। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद में इस हिंसा को डिफेंड करने के लिए उन्होंने कपिल मिश्रा को बकरा बना दिया कि भाई कपिल मिश्रा ने कहा कि भाई रास्ता खाली करो, ये पुलिस को उन्होंने कहा कि भाई रास्ता खाली करो, ट्रंप जाने जाने तक ये पूरा रास्ता खाली कर दो, क्योंकि वो कह रहे थे भाई एक शाहीन बाग है, हम दूसरा तीसरा शाहीन बाग बना देंगे, रास्ते ब्लॉक करके बैठे हुए थे 2 महीनों से। तो उन्होंने कहा भाई 2 दिन में ये रास्ता आप खाली कर दो, ये पुलिस को कहा। और रास्ता खाली करने को इन्होंने कहा कि भाई इसकी वजह से दंगा हुआ। यानी देखिए इतनी भयानक हिंसा हुई, उसको डिफेंड करने के लिए ये कपिल मिश्रा को सामने लाते हैं, और खुले आम ताहिर हुसैन जिसके घर पर पेट्रोल बम मिले, पत्थर मिले, एसिड मिला, उसको ये डिफेंड करते हैं। कितने अभी 48 घंटे 72 घंटों की ही बात है, 3 4 दिन पहले की ही बात है, फिर भी आप सोचिए इन वामपंथियों ने और लिबरल्स ने किस प्रकार से इस पूरे दंगे को एक मुस्लिम विरोधी बताकर हमारे देश के जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम समाज, उनको भड़काने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो सोचिए जो पिछले 800 सालों से इतने जो हमारा जो इतिहास है उसको इन वामपंथियों ने कैसा तोड़ा मरोड़ा होगा, और हम देख रहे हैं ना कैसे हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। कश्मीर में 1990 में लाखों लाखों कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, विस्थापन हुआ, अनगिनत हिंदू बहन बेटियों के साथ में सामूहिक बलात्कार हुए, लेकिन हमें पिछले 30 सालों से क्या बताया गया, चाहे वो हैदर फिल्म हो या और भी ऐसी जो फिल्में हैं, उन्होंने उनके द्वारा बॉलीवुड ने हमें क्या बताया कि भाई आर्मी वहां पर माइनॉरिटीज पर अत्याचार करती है। कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के बारे में तो कभी किसी को याद ही नहीं आई, हमें बार 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 यही बताया गया कि आर्मी वहां पर माइनॉरिटीज पर अत्याचार कर रही है, सही है ना। फिर अचानक से विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्म आती थी कश्मीर फाइल्स, उसके पहले विधु विनोद चोपड़ा को याद आ जाती है कश्मीरी हिंदुओं की। कितना बड़ा प्रॉपर प्लानिंग से ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं आप देखिए। और दिल्ली जिसका दिल्ली में जो हिंसा हुई, जिसका हिंदू और मुस्लिम से ज्यादा इससे कोई कनेक्शन नहीं था, ये था केवल सीए विरोधियों के द्वारा किया गया हिंसा। और इसमें हिंदू और मुस्लिम नहीं, उसमें हिंदू भी थे, स्वरा भास्कर जैसे हिंदू थे, अनुराग कश्यप जैसे हिंदू थे, अनुभव सिन्हा जैसे हिंदू थे, और ऐसे कई सारे हिंदू जिन्होंने ये दिल्ली में हिंसा भड़काई, बार 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 ऐसे ट्वीट्स करके, झूठी खबरें फैलाकर। लेकिन इनके इतने सारे फेक ट्वीट्स, फेक खबरें इन्होंने फैलाई, लेकिन इनकी रीच को कोई कम नहीं करता, ये इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो, इनके रीच को बंद नहीं करता, इनके पेजेस की आवाज को ये नहीं दबाता। भले ही ये अनगिनत झूठी खबरें फैलाए, भले ही रविश कुमार आए दिन हर रात को झूठी खबरें फैलाए, फिर भी उसकी रीच कोई कम नहीं होती, उनकी वीडियोस को यूट्यूब उनकी रीच कम नहीं करता, और आए दिन ये झूठी खबरें फैलाते हैं। और यहां पर अगर हम एक वीडियो ट्वीट कर देना, जो अभी देखिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, मेरा ही उदाहरण, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर, और दूसरी जगह एक नारा लगा था जामिया के सो कॉल्ड स्टूडेंट्स के द्वारा कि भाई हिंदुओं से आजादी का। अब इन दो वीडियोस को ट्वीट किया गया था, उस पर ये लिखा भी था कि भाई एक जगह पर हिंदुत्व की कब्र खोदने का नारा लगा है और दूसरी जगह पर हिंदुओं से आजादी का नारा लगा है। लेकिन फिर भी ये जो क्विंट फिंट के जो फैक्ट चेकर्स है, उन्होंने उसको फैक्ट चेक में गलत बताया और कहा कि भाई इसमें हिंदुओं से नहीं, हिंदुत्व से कहा था, और पूरे पेज की रीच ही खत्म कर दी। सोशल मीडिया पर उनकी कोई रीच ही नहीं, पहुंच ही नहीं, महीनों महीनों तक तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उन अकाउंट्स को, उन पेजेस को एक प्रकार से फेसबुक डीएक्टिवेट कर देता है फैक्ट चेक में गलत साबित होने के नाम पर। और दूसरी जगह पर 2 3 साल पुराने वीडियो को अभी यहां पर ये वायरल करते हैं, ये पूरे वामपंथी और लिबरल गैंग किस लिए वायरल करते हैं, ताकि सीए विरोधियों के द्वारा जो हिंसा हुई है दिल्ली में उसको डिफेंड किया जा सके, इसलिए ऐसे झूठे वीडियोज ये शेयर करते हैं। पुलिस के कहीं पर 10 15 साल 8 10 साल पुराने वीडियोज ये उठाकर लेके आते हैं और ये कहते हैं कि भाई पुलिस देखो कैसे मार रही है, वो भी बहुत पुराने वीडियोज। यहां तक कि दिल्ली पुलिस बस में एक जगह पर आग लगी थी, उस आग को बुझा रही थी दिल्ली पुलिस, वो पूरी वो बस, उसका नंबर, वो वीडियो भी मैंने हमारे पिछले वीडियो में दिखाया था। दिल्ली पुलिस एक जगह पर पानी डालकर आग बुझा रही है, उस वीडियो को आम आदमी पार्टी का ही मनीष सिसोदिया और दूसरे ये जितनी वामपंथी और लिबरल गैंग है, उन्होंने उस दिल्ली पुलिस के वीडियो को शेयर करके कहा कि भाई देखो पुलिस बसों को जला रही है, किस लिए, जो जामिया के कट्टरपंथी और उग्रवादी सो कॉल्ड स्टूडेंट्स थे उनको बचाने के लिए इन्होंने पुलिस पर झूठा आरोप लगाया कि भाई वो बस को जला रहे थे। ऐसे लोगों की वजह से ही अंकित शर्मा जी की हत्या हुई है। मनीष सिसोदिया और ये जो पूरे वामपंथी लिबरल गैंग है जिन्होंने ऐसे झूठे वीडियो शेयर किए थे, उनकी वजह से अंकित शर्मा जी पर 400 बार वार हुआ है।
उनकी वजह से रतनलाल जी की हत्या हुई है। उनके बच्चों के जो मासूम चेहरे हैं ना, उसके लिए जिम्मेदार ये ऐसे वामपंथी और लिबरल गैंग है। इन्होंने पुलिस के खिलाफ ऐसे झूठे वीडियोस बनाकर शेयर किए, और उनसे भी ज्यादा जिम्मेदार है ये इंस्टाग्राम, ये ट्विटर, ये फेसबुक, क्योंकि ये ऐसे फेक वीडियोस को, फेक न्यूज को खुलेआम सर्कुलेट होने देता है। लेकिन दूसरी जगह पर ये कहता है कि भाई तुमने हिंदुत्व की जगह हिंदू लिखा, या हिंदू की जगह हिंदुत्व लिखा, या नहीं भी लिखा हो तो भी वो ऐसे लोगों की आवाज को दबा देता है। क्यों? ताकि ये जो सीए विरोध के नाम पर जो हिंसा हो रही है उसकी सच्चाई लोगों को ना पता चले। ये कितना भयानक है, आप सोचिए। ये फेसबुक और ट्विटर खुलेआम देश की आवाज को दबा रहा है, खुलेआम हमारी जड़ों पर आघात कर रहा है। ये सबके लिए जानना आवश्यक है कि ये फेसबुक, ट्विटर, ये सब कितने ज्यादा बायस्ड है। जय श्री राम, वंदे मातरम।